अवधेश है और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। हेमंत मात्रे जी को आज ठाणे विभाग का संगठन मंत्री पद पर नियुक्त किए जाने पर आज मीरा भाईंदर में उनका सत्कार किया गया। मैं आपको बता दूं कि हेमंत मात्रे मीरा भाईंदर में जिला अध्यक्ष रहे, वो भी 6 साल और संगठन से काफ़ी सालों से वो जुड़े हैं। तो ये बात करते हैं हेमंत मात्रे से, जिन्हें जिम्मेदारी मिली है और काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि महाराष्ट्र का बॉर्डर गुजरात साइड और यहाँ पर रायगढ़ साइड, इनको देखना है और संगठन को मजबूत करना। सर क्या कहेंगे, बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको, आज मीरा भाईंदर अच्छे से आप बाहर जा रहे हो, कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर का भी नाम एक गौरव की बात है कि मीरा भाईंदर से एक कोई कार्यकर्ता बाहर निकल रहा और संगठन को मजबूत करने के लिए हो गई। ये तो मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के जिला प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये मेरे ऊपर दायित्व दिया हुआ है। दायित्व बहुत बड़ा है और काम करना हमें इस क्षेत्र बहुत बड़ा है और सभी, जैसे मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मीरा भाईंदर भी प्रवास करते रहूँगा, लेकिन पूरा समय मुझे प्रवास करना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरी सेहत अच्छी रहे और काम करने की स्फूर्ति मिले। सर जैसे कि आपको बड़ा पद मिला है, आपने कहा कि मीरा भाईंदर में हमेशा मैं अक्सर आता रहूंगा, लेकिन कहते हैं ना बाहर तो आप जा ही रहे हैं संगठन मजबूत करने, जाते जाते भी आज यहाँ पे लगभग 100 कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके जा रहे हैं। नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी का स्थायी भाव है, जब भी कोई संगठन का कार्यक्रम होता है तो उसमें पक्ष प्रवेश तो होता ही है, लेकिन आज के इस प्रवेश में बहुत सारे 80-85 लोग ऐसे जो किसी पार्टी से जुड़े नहीं थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए, ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। अच्छा सर, कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर के जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, कुछ ना कुछ असमंजस में है किसी चीज़ को लेके, तो आप उन्हें क्या संदेश देंगे अपने माध्यम से? असमंजस में ऐसा रहने की जरूरत नहीं है, संगठन संगठन है। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उसमें अध्यक्ष का रोल बहुत बड़ा होता है, जहाँ अध्यक्ष रहेगा वही पार्टी रहती है, हमारी अध्यक्ष प्रणाली की पार्टी है। तो संभ्रम में, वो भी संभ्रम जो है अभी थोड़े दिन में निकल जाएगा, पूरा थोड़े दिन में मतलब अभी हो जाएगा, वैसे 10-15 दिन में तो होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष जी का दौरा है, वो शायद दिवाली के पश्चात होगा, उसके पश्चात सभी ठीक हो जाएगा। आने वाले मनपा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितने सीटें चिन्ह कर लाएगी, आपको क्या लगता है? वैसे तो हमारे अध्यक्ष ने नारा दिया हुआ है अब की बार 80 पार, तो वो तो संभव है, उसमें कोई, आप जानते हैं पत्रकार हो, मीरा भाईंदर की स्थिति आपको मालूम है कि कौन सा ऐसा विरोधी दल है जो हमसे फाइट कर सकता है। तो दिवाली के पश्चात जो प्रदेश अध्यक्ष बैठक लेंगे उसके पश्चात आप ही, आपको पता चलेगा कि कितने हमारे नगर सेवक चुनके आएंगे। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आपके ऊपर कभी लगता है कि आपकी सूचना में है कि बीजेपी में है, जबकि अगर आपको देखा जाए तो अक्सर अभी आप बीजेपी के ही बैनर तले आपका फोटो दिखता है और आप अक्सर कहती भी हैं कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हेमंत जी को दिल से शुभकामना देना चाहूँगी और अभिनंदन कि इतने अच्छे पद पे आपकी आपको चुना गया। और ये बहुत सालस स्वभाव के हैं, कहते हैं कि पक्ष ने जिम्मेदारी दी, लेकिन पक्ष ऐसे ही जिम्मेदारी नहीं देखता, संभावना देखने के बाद ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली है, इनका कार्य देख के ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इनके कार्यकाल में यहाँ बीजेपी 61 नगर सेवक के साथ जीती हुई है, तो ये पक्ष की तरफ से दिया गया एक मान सम्मान उनको है कि इतना बड़ा काम किया है आपने, तो वो मान सम्मान के ये हकदार हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा, तो देखिए मैं अपक्ष चुन के आई हूँ और ये बात 5 साल तक अपक्ष रहने वाला कायम रहने वाला है, और हर एक अपक्ष किसी न किसी पार्टी को समर्थन दे सकता है। तो उसी तरह से जैसे मैंने नारा भी दिया था जब मैं इलेक्शन लड़ी थी कि मोदी तुझसे बैर नहीं, मेहता तेरी खैर नहीं, इसका मतलब है कि मुझे मोदी जी अब भी उतने ही प्यारे हैं, मैं अब भी, मेरे लिए उतने ही आदरणीय है, सम्माननीय है। और मैं बीजेपी, पहले 1 साल मैंने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन दिया था, कुछ हालात ऐसे बने कि मुझे अपने काम को प्रूव करने के लिए, अपने काम कराने के लिए भी कोई डिसीजन चेंज करना पड़ा। लेकिन अब जब वापस ससम्मान मुझे देवेंद्र फडणवीस जी ने बुलाया, जब ये हो रहा था तब उन्होंने, उनके ही आदेश पे मैं गुवाहाटी गई थी और उन्होंने कहा था कि ताई आप अब हमारे बीजेपी के साथ रहिए और जो भी पहले हुआ उसे भूल के आप ससम्मान हमारे साथ यहाँ है वो समझ के चलिए। तो मैं वैसे ही मैंने कहा कि दिल में बीजेपी और वो समर्थन मैंने दिया ही, लेकिन आप जैसे कहते हैं कि मैं अपक्ष हूँ तो वो भूमिका मुझे 5 साल के लिए निभानी पड़ेगी, पर समर्थन और दिल हमेशा मेरा बीजेपी की तरफ ही रहेगा। आज यहाँ पे का स्वागत हुआ, उनका सत्कार हुआ, क्योंकि उन्हें संगठन का महामंत्री बनाया गया। देखिए, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं ने आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुखिया का हो,
या फिर हमारे मीरा बंदर शहर के हमारे परिवार के वरिष्ठ नेता कहिए, पूर्व अध्यक्ष कहिए, या फिर नव निर्वाचित हमारे ठाणे विभाग के संगठन मंत्री हम सबके लाडले हेमंत म्हात्रे जी, आज समस्त पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज जिस तरीके से मीरा बंदर शहर का उनका जो दायित्व था वो दायित्व आज छोड़कर वो आज हमारे ठाणे विभाग के संगठन मंत्री के रूप के अंदर नई भूमिका में कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, सभी समाज सेवकों ने मिलकर आज इनका सत्कार किया, सभी ने शुभकामनाएं दी और जो हमारे वरिष्ठ थे उन सभी ने हेमंत म्हात्रे जी को आशीर्वाद भी दिया। तो अपने आप के अंदर जिस तरीके से हेमंत म्हात्रे जी ने इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए अपना खून पसीना दिया है, अपना पूरा जीवन दिया है, इसके लिए आज सभी लोगों ने पुराने दिनों को याद किया, बहुत सारी उन्हें शुभकामनाएं दी और सभी ने आने वाले उनके राजनीतिक भविष्य के लिए उनके लिए प्रार्थना की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विशेषता यही है कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसके अंदर पक्ष प्रवेश होते हैं। आज आप देखेंगे कि हमारे मीरा बंदर शहर के अंदर बहुत ही एक प्रसिद्ध समाज सेवक है श्याम गोस्वामी जी, इन्होंने आज करीबन अपने 100 कार्यकर्ताओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। हमारे प्रमोद पांडे जी, उनकी भी टीम ने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया और ये तो प्रवेश का तो ताता लगा रहता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से प्रेम करने वाला वर्ग इस मीरा बंदर शहर में इतना बड़ा है। मोदी जी को मानने वाला, देवेंद्र जी के कार्य को मानने वाला वर्ग यहाँ पर बहुत बड़ा है, तो दिन ब दिन भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ती जा रही है। और आप किस मकसद से अगर आप देखेंगे तो संगठन को मजबूत करने के लिए आपने पक्ष प्रेस तो कराया है, क्या विचारधारा देखा आपने भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी पहले तो एक हमारी सबसे बड़ी चीज़ है कि वो हिंदुत्व को लेके चल रही है। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है और भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त जो मतलब उनकी जो धारा है कि मतलब सबका साथ सबका विकास लेके चलने की, उस धारा में जो है हम भी मतलब सोच रहे हैं कि इस पक्ष में शामिल होकर हम भी कुछ और आगे उसकी धारा पे चल सके और संगठन को और भी मतलब मजबूत कर सके। आप आने वाले मनपा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से मजबूती प्रदान करेंगे और जो रवि व्यास का नारा है इस बार 80 पार, उसे कैसे पूरा करने में अपना सहयोग देंगे आप? रवि व्यास जी 80 पार जो बोल रहे हैं वो सच है और 80 पार नहीं, मैं तो बोलूँगा उससे भी ज़्यादा हम 90 पार होने का हम ट्राई करेंगे, क्योंकि क्या है भारतीय जनता पार्टी का जो इस वक्त जो उनकी मजबूती है, मीरा भाईंदर में बहुत अच्छी मजबूती है और रवि व्यास जी के नेतृत्व में ये बहुत ही आगे बढ़ेगी। जैसा कि आपने आज देखा होगा, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हेमंत म्हात्रे जी, वह महाराष्ट्र कार्यकारिणी के सदस्य, आज उनका भविष्य स्वागत किया गया है, सत्कार किया गया है। मीरा भाईंदर के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उनने संगठन के महामंत्री ठाणे के रूप में जो उनको नियुक्ति की गई है उस उपलक्ष्य में ये सत्कार रखा गया था। आज कम से कम नहीं तो सत्कार के समारोह के अंदर 120 से लेकर 125 आदमियों ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर नया पक्ष प्रवेश भी किया है।